आपको बता दें कि ऋषि सुनक के ब्रिटेन का पीएम बनने पर देश में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर वार पलटवार करना शुरू कर दिया है। ऋषि सुनक के बहाने ओवैसी ने भी अपनी इच्छा दोहराई है। हिजाब पहनने वाली बच्ची एक दिन भारत की प्रधानमंत्री बनेगी, ओवैसी की तरफ से ये बयान दिया गया है। वहीं महबूबा मुफ्ती ने भी सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि एक तरफ तो ब्रिटेन में किस तरीके से अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री बन रहे हैं, वहीं भारत अभी भी सीए और एनआरसी के बीच फंसा हुआ है। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेगी। मैं नहीं समझता हूँ कि हमें किसी और देश से सबक सीखने की जरूरत है। हमारा समाज ही अनेकता में एकता है। कई सालों से हम कहकर आ रहे हैं कि अनेकताओं का हम सम्मान करते हैं, अनेकताओं को हमें एक समान बराबर जगह देते हैं, संविधान में दिया गया है उनको, उनका अधिकार दिया गया है, और हमें किसी और देश से सबक सीखने की जरूरत। तो महबूबा मुफ्ती की तरफ से ट्वीट किया गया कि गर्व का क्षण है कि यूके का पहला भारतीय मूल का पीएम होगा, जबकि पूरा भारत सही मायने में जश्न मनाता है। ये याद रखना हमारे लिए अच्छा होगा कि यूके ने एक जातीय अल्पसंख्यक सदस्य को अपने प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर भी हम एनआरसी और सीए जैसे विभाजनकारी और भेद को भावपूर्ण कानूनों से बंधे